नमस्कार दोस्तों, आप सभी का टॉपर्स ग्रुप में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जो क्लास ले रहे हैं न्यूक्लियर फिजिक्स के बारे में यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, और ये क्लास सिलेबस स्टैंड सिलेबस के अनुसार होने वाली है। कंप्लीट जो क्लास चलेगी वो आपकी लैब के अनुसार चलेगी। अब यहाँ पर देखिएगा, आप ध्यान दीजिएगा, आप इसमें जो हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं नाभिक की, सबसे पहले देखो, रदरफोर्ड ने अल्फा कणों के प्रकीर्णन के प्रेक्षणों के आधार पर यह सिद्ध किया कि परमाणु का समस्त द्रव्यमान एवं धनावेश एक अत्यंत क्षेत्र में केंद्रित होता है जिसे नाभिक कहते हैं। यहाँ पर देखिएगा, इसमें आया कि परमाणु के का जो समस्त, ये एक परमाणु आपके पास में है और इस परमाणु का समस्त द्रव्यमान जो होता है, कुल द्रव्यमान और कुल धनावेश जो होता है, ये अत्यंत एक क्षेत्र में, एक अल्प क्षेत्र में उपस्थित होता है और इस अल्प क्षेत्र को नाभिक कहा जाता है। नेक्स्ट देखिएगा आप इसमें, किसी नाभिक का स्थायित्व या अस्थायित्व प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मध्य कार्यरत आकर्षी नाभिकीय बल प्रोटॉन के मध्य कार्यरत प्रतिकर्षी विद्युतीय बल पर निर्भर करता है। यहाँ पर जो बात हम कर रहे हैं कि नाभिक का जो स्थायित्व और अस्थायित्व प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मध्य कार्यरत आकर्षी नाभिकीय बल और प्रोटॉन के मध्य कार्यरत प्रतिकर्ष विद्युतीय बल पर निर्भर करता है। अस्थायी नाभिक विभिन्न छह प्रक्रियाओं के द्वारा स्वतही विघटित होकर अन्य संरचना प्राप्त कर लेता है। थर्ड पॉइंट है, नाभिक प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है। नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। किसी नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या, परमाणु क्रमांक या प्रोटॉन संख्या को हम जेड से दर्शाते हैं। कोई भी नाभिक के अंदर प्रोटॉन संख्या है वो परमाणु क्रमांक के बराबर होती है, आप इसको डायरेक्ट ऐसे याद रख सकते हैं। न्यूट्रॉन की संख्या को एन से दर्शाया जाता है। नेक्स्ट देखिएगा आप इसमें, न्यूट्रॉन या प्रोटॉन की संख्याओं के योग को नाभिक की द्रव्यमान संख्या कहा जाता है, और इसको लिखा जाता है द्रव्यमान संख्या को ए इक्वल जेड प्लस एन। जेड परमाणु क्रमांक, या फिर यहाँ पर जेड को हम बोल सकते हैं प्रोटॉन संख्या, जेड को पी भी लिखा जा सकता है, प्लस एन न्यूट्रॉन संख्या है। नेक्स्ट पॉइंट है, न्यूट्रॉनों एवं प्रोटोनों को सम्मिलित रूप से न्यूक्लियॉन कहते हैं। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को सम्मिलित रूप से न्यूक्लियॉन कहा जाता है। नाभिकों को संकेत अक्ष पैरल में जेड और ऊपर पावर के रूप में ए द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। यहाँ अक्ष एलिमेंट का रासायनिक संकेत है, जेड क्या है यहाँ पर परमाणु क्रमांक है, और ए क्या है द्रव्यमान संख्या है। तो इसी प्रकार से आपको लैब असिस्टेंट, आईआईटी और नीट और ट्वेल्थ की जो क्लासे हैं फिजिक्स की, आपको फ्री क्लासे अवेलेबल यूट्यूब पर करवाई जा रही है। साथ में ही पीडीएफ जो नोट्स हैं वो भी आपको टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल करवाए जा रहे हैं, वो भी फ्री है। तो आप इसी प्रकार से आप क्लासे प्राप्त करने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखिएगा, न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन प्रत्येक नाभिक का मूल कण होता है, केवल हाइड्रोजन को छोड़कर। इसकी खोज जेम्स चैडविक ने की थी। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? जेम्स चैडविक ने। नाभिक के बाहर एक स्वतंत्र न्यूट्रॉन अस्थायी होता है। नाभिक जो है, नाभिक के अंदर क्या पाया जाता है? न्यूट्रॉन पाया जाता है, और इसके चारों ओर क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। और आपको ये ध्यान में रखना है, इस नाभिक के अंदर न्यूट्रॉन पाया जाता है, और न्यूट्रॉन जो होता है उसकी खोज किसने की थी? जेम्स चैडविक ने। अगर नाभिक के बाहर न्यूट्रॉन आ जाता है, बाहर कैसा होगा? ये अस्थायी, और नाभिक के अंदर कैसा होता है? स्थायी होता है। तथा प्रोटॉन व इलेक्ट्रॉन विघटित, तथा यह प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन में क्या हो जाता है? विघटित हो जाता है। अगर नाभिक के बाहर आ जाएगा तो ये प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन में क्या हो जाएगा? विघटित हो जाएगा, जिसकी रासायनिक समीकरण यहाँ पर दे रखी है, आप समझने का प्रयास कीजिएगा। न्यूट्रॉन है, ये प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में विघटित हो जाता है, और साथ में एंटी न्यूट्रॉनों बाहर निकलते हैं। न्यूट्रॉन पर आवेश कैसा होता है? उदासीन होता है। इसका जो द्रव्यमान होता है कितना होता है? 1.6750 × 10^-27, 10^2 कितनी है? −27 kg होता है।
तो ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट देखिएगा, चक्रण, न्यूट्रॉन का कोणीय चक्रण कोणीय संवेग जो होता है वो कितना होता है, 1/2 इंटू एच अपॉन 2 पाई जूल प्रति सेकंड होता है, ये जूल इंटू सेकंड होता है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। कोणीय जो संवेग जो होता है, चक्रण कोणीय संवेग का मात्रक क्या होता है, जूल इंटू सेकंड होता है, और ये न्यूट्रॉन का जो कोणीय है संवेग जो है कितना, 1/2 एच अपॉन 2 पाई। चुंबकीय आघूर्ण, चुंबकीय आघूर्ण कितना होता है इसका, 9.57 × 10⁻²⁷ जूल प्रति टेस्ला, ये आपको ध्यान में रखना है। अर्धायु जो होती है इसकी कितनी होती है, 12 मिनट। अर्धायु कितनी होती है, 12 मिनट होती है। भेदन क्षमता इसकी उच्च होती है। न्यूट्रॉन के प्रकार में बात करें तो न्यूट्रॉन दो प्रकार से होते हैं, एक तो धीमे न्यूट्रॉन होते हैं और एक तीव्र न्यूट्रॉन होते हैं। दोनों पूर्णतः नाभिक को भेदने में सक्षम एवं नाभिक को कृत्रिम रूप से विघटित करते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, तापीय न्यूट्रॉन, थर्मल न्यूट्रॉन। देखो, तीव्र न्यूट्रॉनों को मंदकों यानी पैराफीन मोम, भारी जल और ग्रेफाइट की सहायता से धीमे न्यूट्रॉनों में परिवर्तित किया जा सकता है। जब तीव्र न्यूट्रॉन किसी मंदक से गुजरते हैं तो वे मंदक में उपस्थित अणुओं से टकराकर अपनी ऊर्जा अणुओं को स्थानांतरित कर देते हैं एवं इनकी ऊर्जा कम हो जाती है। कुछ समय पश्चात दोनों ही समान ऊर्जा प्राप्त कर लेते हैं। तब न्यूट्रॉन मंदक के अणुओं के साथ तापीय साम्य में आ जाते हैं। इन तापीय साम्यों को न्यूट्रॉन कहते हैं। तापीय न्यूट्रॉनों की औसत गतिज ऊर्जा जो होती है, ये आपको पॉइंट, ये आपको ध्यान में रखना है। इसमें इनकी औसत गतिज ऊर्जा लगभग कितनी होती है, 0.025 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, और चाल जो होती है 2.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड होती है। तापीय न्यूट्रॉनों की औसत गतिज ऊर्जा 0.025 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और चाल 2.2 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। और आपको ये ध्यान में रखना है कि तीव्र जो न्यूट्रॉन होते हैं उनको मंदकों की सहायता से जो है धीमे न्यूट्रॉनों में परिवर्तित किया जा सकता है। और मंदक के रूप में पैराफीन मोम है, भारी जल है, ग्रेफाइट काम में लिए जाते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, नाभिकों के प्रकार। नाभिकों को इनमें उपस्थित प्रोटॉन की संख्या या न्यूट्रॉन की संख्या के आधार पर वर्गीकृत हम कर सकते हैं। देखिएगा, समस्थानिक, सबसे पहले किसी एलिमेंट के वे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान हो परंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो समस्थानिक कहलाते हैं। सभी समस्थानिकों के रासायनिक गुण समान होते हैं। कुछ एलिमेंटों के समस्थानिक निम्न हैं, कौन कौन से हैं वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। देखिएगा आप, जैसे हाइड्रोजन की बात करें तो यहाँ पर हाइड्रोजन के समस्थानिक दे रखे हैं, परमाणु क्रमांक समान होते हैं, द्रव्यमान संख्या क्या हो जाएगी, 1, 2, 3 अलग अलग हो जाएगी, ठीक है। ऑक्सीजन के यहाँ पर समस्थानिक हैं, हीलियम के समस्थानिक हैं, क्लोरीन के समस्थानिक हैं और ये यूरेनियम के समस्थानिक हैं। जो आपको ये समस्थानिक आपको ध्यान में रखने हैं, इनके आधार पर जो है लेवल सिस्टेंट में क्वेश्चन आता है, केमिस्ट्री वाले पार्ट में भी हैं और फिजिक्स वाले दोनों पार्ट में हैं ये टॉपिक। संभारिक, वे नाभिक जिसकी द्रव्यमान संख्या समान हो परंतु परमाणु क्रमांक जेड भिन्न भिन्न हो संभारिक कहलाते हैं। संभारिक आवर्त सारणी में भिन्न भिन्न स्थानों पर होते हैं और सभी संभारिकों के रासायनिक गुण भी अलग अलग होते हैं। कुछ संभारिक यहाँ पर, जैसे हीलियम के संभारिक यहाँ पर हैं और हाइड्रोजन और हीलियम यहाँ पर देखिएगा, हाइड्रोजन हीलियम यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ पर द्रव्यमान संख्या जो है इनकी क्या है, समान है और परमाणु क्रमांक क्या है, अलग अलग हैं। क्लोरीन और कार्बन और नाइट्रोजन की यहाँ पर बात करें तो इनकी द्रव्यमान संख्या भिन्न है, ये समान है और परमाणु क्रमांक क्या है, भिन्न भिन्न है। इसी प्रकार से ऑक्सीजन और फ्लोरीन यहाँ पर इनका ये क्या हो गया, संभारिक हो गया, समान भार वाले।
समवारी कहलाते हैं, तो आपको ये ध्यान में रखना है। तीन एग्जाम्पल यहाँ पर हैं सम न्यूट्रॉनिक, वे नाभिक जिनके न्यूट्रॉनों की संख्या समान हो सम न्यूट्रॉनिक कहलाते हैं। इनके परमाणु क्रमांक जेड एम ए जो होता है, जेड और ए, ए क्या है यहाँ पर द्रव्यमान संख्या, दोनों भिन्न भिन्न होते हैं परंतु ए माइनस जेड का मान समान होता है। यानी आपको क्या है, न्यूट्रॉन की संख्या निकालनी है और न्यूट्रॉन की संख्या निकालने के लिए द्रव्यमान संख्या में से परमाणु क्रमांक घटा देना है, न्यूट्रॉन की संख्या आ जाएगी। अगर दिए हुए एलिमेंट जो है उनमें न्यूट्रॉन की संख्या समान आ जाती है तो सम न्यूट्रॉनिक कहलाते हैं। ऐसा क्वेश्चन पहले आ भी चुका है लैब असिस्टेंट में। देखो यहाँ पर जो है पहला एग्जाम्पल आपको दे रखा है, यहाँ पर देखो 9 में से 4 घटाएंगे तो 5 बचेगा, 9 में से 4 घटाएंगे 5 बचेगा और 10 में से 5 घटाएंगे तो 5 बचेगा, तो सम न्यूट्रॉनिक समान हो गए। 13 में से 6 घटाओ और इसमें से 14 में से 7 घटाओ तो आपके पास में यहाँ पर कितना आ जाएगा, 7 बच जाएगा। ऑक्सीजन क्लोरीन के लिए भी यहाँ पर दिया हुआ है, इसी प्रकार से लिथियम बेरिलियम के, हाइड्रोजन और हीलियम के लिए हैं, तो 3 में से 1 घटाएंगे और 4 में से 2 घटाएंगे तो आपके पास में 2 आएगा। तो न्यूट्रॉन की संख्या समान अगर आती है तो सम न्यूट्रॉनिक कहलाते हैं। पृथ्वी नाभिक, वे नाभिक जिनकी द्रव्यमान संख्या ए समान हो, एम ए की प्रोटॉन संख्या जेड दूसरे के नाभिक की न्यूट्रॉन संख्या के बराबर हो। देखो कोई भी एलिमेंट आपके पास में यहाँ पर दिया हुआ है, जैसे मान लो एक्स और वाई आपके पास में है, तो इसका जेड है ये ए है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा इसके अंदर कि वे नाभिक जिनकी द्रव्यमान संख्या क्या हो, समान हो, द्रव्यमान संख्या क्या हो, समान हो, ठीक है, द्रव्यमान संख्या समान आ गई। और यहाँ पर जो है प्रोटॉन की संख्या यहाँ पर क्या हो सकती है, या नाभिक की संख्या जेड प्लस वन हो सकती है या जेड माइनस वन हो सकती है। अब यहाँ पर एक बात आपको ध्यान में रखना है, क्या ध्यान में रखना है, यहाँ पर सबसे पहले आप ये समझने का प्रयास करिएगा कि इसके अंदर जो है कि दूसरे की प्रोटॉन संख्या पहले की न्यूट्रॉन संख्या के बराबर, यानी यहाँ पर ए जेड प्लस वन या माइनस वन के बराबर हो जाएगा, या फिर ये जो ए है ये किसके बराबर हो जाएगा, इसके। तो यहाँ पर आप इसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करिएगा कि ए की प्रोटॉन संख्या दूसरे की न्यूट्रॉन संख्या के बराबर यहाँ पर ये दिया हुआ है। तो यहाँ पर पहला एग्जाम्पल जो आपके पास में है, 3 में से घटाएंगे कितना बचेगा, 2, ठीक है। और यहाँ पर जो है 3 में से 2 घटाएंगे तो आपके पास में कितना बचेगा, 1। तो यहाँ पर देखिएगा आप इसको समझिएगा, इसमें कितना न्यूट्रॉन कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, इसमें न्यूट्रॉन कितना आ रहा है, 2, और इसमें कितना आ रहा है, 1। यहाँ पर देखो प्रतिबिंब के अंदर यही होता है, प्रतिबिंब में क्या होता है, पहले की जो न्यूट्रॉन संख्या जो आ रही है दूसरे के परमाणु क्रमांक के बराबर, और दूसरे के लिए जो न्यूट्रॉन संख्या आ रही है पहले के परमाणु क्रमांक के बराबर, प्रतिबिंब नाभिक कहलाते हैं। बस आपको ये ध्यान में रखना है, 7 में से 3 घटाएंगे 4 बच जाएगी न्यूट्रॉन संख्या, 7 में से 4 घटाएंगे कितनी बच जाएगी, 3 बच जाएगी। तो देखो ये परमाणु क्रमांक के बराबर और ये इसके परमाणु क्रमांक के बराबर क्या कहलाते हैं, प्रतिबिंब नाभिक कहलाते हैं ये। नेक्स्ट देखिएगा आप इसमें, नाभिक के आकार और साइज की हम बात यहाँ पर करने वाले हैं कि नाभिक का जो आकार है साइज है इसकी बात हम करेंगे। तो यहाँ पर जो है नाभिक का आकार या साइज में नाभिक की त्रिज्या की बात हम सबसे पहले कर लेते हैं। प्रयोगों के आधार पर प्राप्त होता है कि नाभिक की त्रिज्या जो है ए, यहाँ पर देखिएगा त्रिज्या जो नाभिक की त्रिज्या जो आर जो होती है वो उसके परमाणु क्रमांक ए के क्या होती है, अनुक्रमानुपाती होती है। तो यहाँ नाभिक का जो द्रव्यमान संख्या ए है इसके क्या होती है, अनुक्रमानुपाती होती है। अब यहाँ पर समझिएगा आपको यहाँ पर दिया हुआ है R, या फिर हम ये कह सकते हैं इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं R, और यहाँ पर इसका रूट में ये क्यूब वाला आ जाएगा, घन आ जाएगा, घन के और A हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, इसके घन के,
क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती, ये भी हम बोल सकते हैं, या फिर हम इसको ये बोलेंगे तो आर तिरजा जो होती है वो क्या होती है, द्रव्यमान संख्या के 1/3 के क्या होती है, समानुपाती होती है। या समानुपाती नियतांक क्या लगा देंगे, आर नोट, क्या लगा देंगे, आर नोट लगा देंगे। और जहाँ पर जो आपके पास में आर जो है रीडबर्ग नियतांक, जो जिसको जो मान जो होता है ना वो कितना होता है वो देखिएगा आप, इसका मान होता है 1.2। आर का जो मान है कितना होता है, 1.2 × 10^-15 मीटर ये होता है। अब यहाँ पर देखिएगा, इसको लिखा जा सकता है 10^-15 को, मीटर को हम बोलते हैं फर्मी, क्या बोलते हैं फर्मी, एफ एम से दर्शाते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं 1.2 एफ एम फर्मी, ये हम लिख सकते हैं। तो ये आर का मान हो गया है। नाभिक के आयतन की बात करें तो नाभिक का आयतन क्या होगा, देखो कोई भी नाभिक है आर त्रिज्या है, तो आयतन का सूत्र तो हम छोटी क्लासों में पढ़ते आ रहे हैं, वी बराबर 4/3 πr³। तो यहाँ पर आर का जो मान है यहाँ पर हम रखेंगे, तो यहाँ पर आर नोट ए क्यूब यहाँ पर रखेंगे हम, तो यहाँ पर जब रखेंगे तो ये हमने रख दिया, तो इसकी पावर 1/3 है, पावर कितनी है 1/3 है, तो इसका 1/3 अगर हम करेंगे, इसकी पावर कितनी करेंगे 1/3 यहाँ पर रखेंगे, तो 3 से 3 कैंसिल, और इसका आर नोट का क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा, तो ये हमारे पास में बन जाएगा। अब यहाँ से हम देखें वी जो है यहाँ पर 4/3 πr³, ये वाली जो राशि हमारे पास में ये कॉन्स्टेंट है, तो आयतन क्या हो जाएगा, किसके समानुपाती हो जाएगा, द्रव्यमान संख्या के समानुपाती हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, नाभिक का घनत्व अगर बात करें तो किसी नाभिक के इकाई आयतन का द्रव्यमान नाभिक का घनत्व कहलाता है। नेक्स्ट देखिएगा आप इसमें घनत्व के अंदर विस्तार से थोड़ा सा, किसी नाभिक के इकाई आयतन का द्रव्यमान नाभिक का घनत्व कहलाता है। नाभिक का जो घनत्व होता है द्रव्यमान बटा क्या हो जाएगा, आयतन, और नाभिक का जो द्रव्यमान जो है वो क्या होगा, एम एम, यहाँ पर कोई भी नाभिक है उसका क्या है, अणुओं का जो द्रव्यमान यहाँ पर न्यूक्लियॉन का औसत द्रव्यमान है, और ए क्या है, द्रव्यमान संख्या है। कोई भी नाभिक आपके पास में है तो इसमें जो न्यूक्लियॉन है स्मॉल एम क्या है, न्यूक्लियॉन यानी कि न्यूक्लियॉन का औसत द्रव्यमान, और ए क्या है, द्रव्यमान संख्या है, ठीक है। तो नाभिक का क्या आ जाता है, द्रव्यमान निकल के आ जाता है। अब यहाँ पर समझिएगा आप इसको, यहाँ पर लिखा हुआ है देखो एम एक न्यूक्लियॉन का औसत द्रव्यमान, और न्यूक्लियॉन क्या होते हैं, प्रोटॉन न्यूट्रॉन का सम्मिलित द्रव्यमान हो जाएगा ये, तो प्रोटॉन और न्यूक्लियॉन का सम्मिलित द्रव्यमान हो जाएगा। अब यहाँ पर थोड़ा सा आप इसको समझिएगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम्मिलित जो द्रव्यमान है, सम्मिलित रूप से द्रव्यमान, और सम्मिलित रूप से जो द्रव्यमान जो होता है वो कितना होता है, 1.66 × 10^-27 kg होता है। अब यहाँ पर देखिएगा, बटे में नाभिक का आयतन, आयतन हमने पीछे निकाला था, यहाँ पर क्यूब के रूप में रखा है, आप चाहो तो यहाँ पर आर क्यूब और ए आप कर सकते हो। अब यहाँ पर देखिएगा आप इसको, यहाँ पर इसके अंदर जो है रो घनत्व जो हम पढ़ते आ रहे हैं, घनत्व, घनत्व का मान यहाँ से जो है अगर इसको हल करेंगे तो ये पावर, अगर ये क्यूब लग जाएगी और यहाँ पर क्या रह जाएगा, इसको समझिएगा, इसका क्यूब करेंगे तो ये हो जाएगा आर क्यूब आपके पास में, क्या हो जाएगा, आर क्यूब, और यहाँ पर इसके 3 से 3 कैंसिल, ए से ए कैंसिल हो जाएगा, और आपके पास में बचेगा ये 3 ऊपर चला जाएगा, तो सूत्र बन जाएगा 3m/4πr³। और इसको जब हल करते हैं, सभी कॉन्स्टेंट राशियाँ हैं तो इसका मान आ जाता है 2.38 × 10^-17 kg/m³। ये मान आपको डायरेक्ट याद रखने हैं, ये एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट देखिएगा आप, नाभिकीय बल, वह बल जो न्यूक्लियनों को नाभिक के अंदर बांधे रखता है नाभिकीय बल कहलाता है। न्यूक्लियन को अंदर नाभिक के अंदर क्या रखता है, बांधे हुए रखता है, क्या कहलाता है, नाभिकीय बल कहलाता है। देखो दो डायग्राम यहाँ पर दे रखे हैं, एक तो अल्पचाल पर विद्युत चुंबकीय प्रतिकर्षण नाभिक को संगठन से रोकता है, नाभिक को टूटने से रोकता है। दूसरा है उच्च चाल पर नाभिक के अत्यधिक नज़दीक आ जाते हैं, नाभिक क्या हो जाते हैं, दोनों एक दूसरे के नज़दीक आ जाते हैं ये। अब जब नज़दीक आ जाते हैं और नाभिकीय बल इनको बांधे रखने के लिए पर्याप्त होता है,
इसी में देखिएगा, नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा आप, ये तो हो गया है। नाभिकीय बल लघु प्राशी होते हैं और ये 10^-15 मीटर से अधिक दूरी पर होने पर ये कार्य करना बंद कर देते हैं। ये बात आपको ध्यान में रखना है, 10^-15। एक बात और आपको ध्यान में रखनी है, जैसे मैं गुरुत्वाकर्षण बल की बात करूं तो गुरुत्वाकर्षण बल की जो प्राश जो होती है ना, वो होती है 10^-38 से अनंत तक, ठीक है, ये प्राश होती है। और यदि मैं इलेक्ट्रिक फोर्स की अगर बात करूं तो इलेक्ट्रिक फोर्स की जो होती है 10^-2 से अनंत। इसके अलावा ये प्रास बता रहा हूं मैं आपको, इसके अलावा जो है नाभिकीय दुर्बल बल जो होता है, वीक फोर्स नाभिकीय दुर्बल बल, तो यहाँ पर नाभिकीय दुर्बल बल की हम बात कर रहे हैं, तो नाभिकीय दुर्बल बल की जो होती है 10^-13 से लेकर कितनी होती है, ये 10^-18 तक। इसके अलावा ये तो नाभिकीय दुर्बल बल की प्रास होगी, इसके अलावा यदि नाभिकीय जो है प्रबल बल की अगर बात करें तो प्रबल बल जो होता है नाभिकीय, उस प्रबल बल की जो प्रास जो होती है वो होती है 1^-10^-15 मीटर। ये प्रास बताई है मैंने, ठीक है, और बाकी नाभिकीय बल की जो है इसकी लघु प्रास जो होती है कितनी होती है, ये न्यूनतम प्रास 10^-15, इससे ज़्यादा दूरी होने पर जो होता है ये बल कार्यरत नहीं होता है। अब देखिएगा, ये प्रकृति में सभी बलों से शक्तिशाली होता है, सभी बलों से शक्तिशाली होता है, ये आकर्षित प्रकृति के बल हैं, ये नाभिक को स्थायित्व प्रदान करते हैं, ये बल आवेश पर निर्भर नहीं करते हैं और ये केंद्रीय बल नहीं होते हैं। देखो थ्योरेटिकल क्वेश्चन लेवस स्टैंड की अगर क्लास में बात करें तो कम से कम 50% के आसपास थ्योरेटिकल क्वेश्चन 2018 में आए थे, तो ये थ्योरी आपको ध्यान में रखनी है और इससे क्वेश्चन बन सकते हैं। 50% न्यूमेरिकल, तो न्यूमेरिकल की भी चर्चा हम आगे करेंगे। नाभिकीय बल विनिमय बल है। देखो वैज्ञानिक जो युकावा के अनुसार दो न्यूक्लियनों के बीच कार्यरत नाभिकीय बल न्यूक्लियनों के बीच पाई मेसोन कणों के विनिमय का फलस्वरूप उत्पन्न होता है, तो आपको ये ध्यान में रखना है नाभिकीय बल विनिमय बल है। और क्वेश्चन आ जाए कि नाभिकीय बल विनिमय बल है, इसके लिए कौन सा कथन सही है, तो ये जो नाभिकीय बल विनिमय बल है, विनिमय बल किसके कारण होता है, ये होता है न्यूक्लियनों के बीच कार्यरत नाभिकीय, दो न्यूक्लियन जो आपके पास में उनके बीच कार्यरत नाभिकीय बल न्यूक्लियनों के बीच पाई मेसोन कणों के विनिमय के कारण। नेक्स्ट देखिएगा आप, देखो हमने यहां तक चर्चा कर ली है, इसमें देखो पाई मेसोन तीन प्रकार के होते हैं, धनात्मक, ऋणात्मक और उदासीन, तीन प्रकार के पाई मेसोन होते हैं यहाँ पर, धनात्मक, ऋणात्मक और उदासीन। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बीच आवेशित मेसोन के विनिमय के फलस्वरूप नाभिकीय बल उत्पन्न होता है, अर्थात यहाँ पर हम लिख सकते हैं प्रोटॉन, प्रोटॉन का अगर विघटन यापन करेंगे तो प्लस, अगर न्यूट्रॉन बाहर निकलता है तो पाई प्लस, और यदि यहाँ पर जो है न्यूट्रॉन का विघटन करते हैं तो प्रोटॉन प्लस पाई माइनस मेसोन कण निकलते हैं। न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन और प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच नाभिकीय बल उदासीन होता है, जैसे प्रोटॉन से यदि प्रोटॉन निकल रहा है तो पाई मेसोन उदासीन, या न्यूट्रॉन से न्यूट्रॉन जो है यहाँ पर तो पाई मेसोन उदासीन उत्पन्न होगा। इस प्रकार पाई मेसोन कणों के विनिमय के फलस्वरूप न्यूक्लियन परस्पर बंधे रहते हैं, अर्थात नाभिकीय बल उत्पन्न होता है। परमाणु द्रव्यमान मात्रक, मात्रक एटॉमिक मास यूनिट AMU, नाभिकीय भौतिकी में द्रव्यमान का एक सुविधाजनक मात्रक होता है जिसे परमाणु द्रव्यमान मात्रक कहते हैं, इसे U से व्यक्त करते हैं। नंबर सेकेंड, एक परमाणु मात्रक जो होता है 1/12 × 6^12 कार्बन, ठीक है, परमाणु का द्रव्यमान के बराबर होता है। हम ये भी इसको लिख सकते हैं कि 1 AMU जो होता है
यहाँ पर कार्बन 12 का द्रव्यमान यहाँ पर रखेंगे और हल करेंगे तो यहाँ पर कितना होगा 1.66। इतनी संख्या याद रख लो, पॉइंटों में 0, 5, 4, 2 इतनी याद रखने की आवश्यकता नहीं है, दो पॉइंटों तक। 1.6 × 10⁻⁻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 ⁻
ठीक है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के द्रव्यमान की अगर बात करें तो देखिएगा, इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान 9.1 × 10^-31 पावर कितनी आएगी इसमें, -10 की घात पावर ये आ जाएगी, हाँ -31 kg। ठीक है, और ये AMU के अंदर अगर करें परिवर्तित तो ये आ जाएगा। प्रोटॉन के द्रव्यमान की अगर बात करें तो 1.67 × 10^-27, यहाँ पावर कितनी आएगी इसमें, 10^-27 पावर कितनी आएगी, -27, और इलेक्ट्रॉन में कितनी आएगी, 9.1 × 10^-31। ठीक है, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान, ये तो सॉरी प्रोटॉन का द्रव्यमान आ गया, न्यूट्रॉन के द्रव्यमान भी लगभग प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर ही होता है, तो यहाँ पर कितनी आएगी, 10^-27। लाइन कैसे जा रही है, 10^-27। ठीक है, परमाणु का, हाइड्रोजन परमाणु का द्रव्यमान अगर बात करें तो हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान में भी यहाँ पर जो है पावर कितनी आएगी, 1.6729 × 10^-27। ठीक है, ये पावर आपको दिखाई नहीं दे रही इसलिए मैं नोट कर देता हूँ। नाभिकीय प्रक्रिया में सतत संगत ऊर्जा अधिक होती है जिसकी कोटि मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की होती है। अब क्वेश्चन आ जाए कि नाभिकीय प्रक्रिया में सतत ऊर्जा किस में होती है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, जूल में, इस प्रकार से, तो आपको मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होती है। आइंस्टीन के अनुसार द्रव्यमान ऊर्जा संबंध रूपांतरण जो समीकरण है E=mc2। ठीक है, तो यहाँ पर m अगर 1 AMU है तब इलेक्ट्रॉन का जो ये ऊर्जा का मान कितना होगा, 931 MeV, और c प्रकाश की चाल है जिसका मान 3×10^8 m/s होता है। अर्थात कहने का अर्थ ये है कि 1 AMU द्रव्यमान 931 MeV ऊर्जा की तुल्य होता है, जो आपको ये ध्यान में रखना है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा, यदि यहाँ से जो है अगर मैं यहाँ पर जो E=mc^2 है, E का मान 931 रख दूँ यहाँ पर, ठीक है, और इसका मान रख दूँ 1 AMU, यानी 1 U से लिखा जाता है, 1 U लिख दूँ, तो सी का अगर मान निकालना चाहूँ तो सी बराबर कितना आ जाएगा, 931 MeV और 1 AMU या यू। ठीक है, ये बन जाता है। तो फॉर्मूले आपको ध्यान में रखने हैं, फॉर्मूले के आधार पर भी 2-3 क्वेश्चन आपको डायरेक्ट एग्जाम में मिलेंगे। युग्म उत्पादक की अगर बात करें, देखिएगा, या युग्म विनाश, जब कोई ऊर्जावान गामा किरण फोटोन किसी भारी पदार्थ पर गिरता है तो वह पदार्थ के किसी नाभिक द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है तथा परमाणु स्वरूप एक इलेक्ट्रॉन एक पॉजिट्रॉन उत्पन्न होते हैं। इस प्रक्रिया को युग्म उत्पादन कहते हैं। इस समीकरण में यहाँ पर आपको दर्शाया गया है, ये क्या है, फोटोन, ठीक है, गामा फोटोन है, इससे पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, नाभिक का स्थायित्व, काफ़ी अच्छा पॉइंट है। लगभग 1500 ज्ञात नाभिकों में से केवल 207 नाभिक स्थायी हैं, शेष अस्थायी नाभिक हैं। अल्फा बीटा गामा से द्वारा अन्य नाभिक बनते हैं, इस प्रक्रिया को रेडियल सक्रियता कहते हैं। नाभिकों का स्थायित्व कई कारकों पर निर्भर करता है, उनमें से कुछ नीचे दिए गए हैं। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले न्यूट्रॉन प्रोटॉन अनुपात, Zn/Z अनुपात, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, किसी परमाणु के समस्त रासायनिक गुण नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या Z द्वारा निर्धारित होते हैं, परंतु नाभिक का स्थायित्व दोनों न्यूट्रॉन प्रोटॉन की संख्या पर निर्भर करता है। देखिएगा आप, निर्भर करता है, तो कुछ बातें जो हैं अब यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में। यहाँ से देखिएगा, हल्के नाभिक
अधिक स्थायी होते हैं यदि उनमें न्यूट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या के समान हो, यानी एन अपॉन जेड का अनुपात कितना हो, वन वन हो जाए, दोनों इक्वल हो जाएंगे तो वन हो जाएगा। वन होने पर हल्के नाभिक क्या होंगे, अधिक स्थायी। एन बराबर जेड हो जाए तो हल्के नाभिक क्या हो जाएंगे, स्थायी हो जाएंगे। दूसरा देखो, भारी नाभिक तब स्थायी होंगे कि इनमें प्रोटॉन की तुलना में न्यूट्रॉन की संख्या क्या हो जाए, अधिक हो जाए। इस प्रकार भारी स्थायी नाभिकों में हल्के नाभिकों की तुलना में अधिक न्यूट्रॉन होते हैं। भारी नाभिकों में प्रोटॉन की संख्या अधिक होने के कारण इनके बीच प्रतिकर्षी बल भी अधिक लगेगा, इसलिए भारी नाभिकों के स्थायित्व होने के लिए न्यूट्रॉन की संख्या भी अधिक होनी चाहिए। नेक्स्ट देखिएगा, जेड और एन की सम और विषम संख्या द्वारा, यहाँ पर देखो जेड काफ़ी अच्छा पॉइंट है, जेड और एन की सम विषम संख्या द्वारा नाभिकों का स्थायित्व इस आधार पर निर्धारित किया जा सकता है कि इसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या क्या हो जाए, सम विषम हो जाए। अब इसमें देखिएगा कुछ बातें आपको ध्यान में रखनी है कि यह पाया गया कि सम नाभिक जो होते हैं ना, सम नाभिक है, यानी जेड भी सम और एन भी सम, अधिक स्थायी होंगे। 60% जो नाभिक जो में प्रोटॉन न्यूट्रॉन दोनों की संख्या सम होती है। एक सम विषम नाभिक अगर बात करें, यानी कि सम विषम नाभिक का मतलब हो गया जेड सम और एन विषम, या सम विषम सम नाभिक, जेड यहाँ पर क्या हो जाए, विषम हो जाए, और एन क्या हो जाए, सम हो जाए। ये इस प्रकार के नाभिक कम स्थायी होते हैं। केवल 5 विषम नाभिक स्थायी प्राप्त हुए हैं और बाकी अस्थायी। कौन कौन से, हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, नाइट्रोजन, और यहाँ पर जो हैं टेलियम, जो भी है इसका नाम देख लेना वर्षाण्य में। तो ये 5 नाभिक केवल स्थायी प्राप्त हुए हैं। प्रति न्यूक्लियॉन बंधन ऊर्जा, सामान्यतः अधिक प्रति न्यूक्लियॉन बंधन ऊर्जा रखने वाले नाभिक स्थायी होते हैं। अधिक बंधन ऊर्जा रखने वाले जो नाभिक जो होते हैं वो क्या होंगे, स्थायी होंगे। नेक्स्ट देखिएगा अगला पॉइंट, द्रव्यमान क्षति और द्रव्यमान बंधन ऊर्जा। द्रव्यमान क्षति डेल एम से दर्शाते हैं इसको, और सीधा सा आपको ध्यान में रखना है, द्रव्यमान क्षति जो होती है न्यूक्लियनों के द्रव्यमानों की संख्या का योग में से नाभिक का द्रव्यमान घटा देंगे तो द्रव्यमान क्षति आ जाएगी। नाभिक का औसत जो है, नाभिक का द्रव्यमान सदैव उपस्थित न्यूक्लियनों के द्रव्यमान के योग से कम प्राप्त होता है, तो इसे हम अंतर को द्रव्यमान क्षति कहते हैं। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर जो है आपके पास में, यहाँ पर देखो न्यूक्लियनों के द्रव्यमानों का योग, न्यूक्लियन यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के द्रव्यमान का योग, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के द्रव्यमान का योग क्या हो जाएगा, न्यूट्रॉन न्यूक्लियनों का द्रव्यमान। तो यहाँ पर जो है आपके पास में, यहाँ पर ये वाला पार्ट दे रखा है, यहाँ पर देखो जेड परमाणु क्रमांक इंटू एम पी यानी प्रोटॉन का द्रव्यमान, और यहाँ पर ए माइनस जेड न्यूट्रॉन की संख्या आ गई, और यहाँ पर क्या हो गया, एम एन न्यूट्रॉन का द्रव्यमान। तो ये तो हो गया न्यूक्लियनों का द्रव्यमान, माइनस एम नाभिक का द्रव्यमान, ये आपके पास में आ चुका है। आप चाहो तो इसको हल करके इस प्रकार से लिख सकते हो, नहीं बाकी लिखने की आवश्यकता नहीं, ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पर एम पी जो है प्रोटॉन का द्रव्यमान है, एम एन जो है न्यूट्रॉन का द्रव्यमान है, और यहाँ पर जो है एम जेड की बात करें तो ये इलेक्ट्रॉन, ये जो है जेड की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का ई मैं लिख सकता हूँ इसको, तो ई यहाँ पर जो है इलेक्ट्रॉन के रूप में मैंने क्यों लिखा है। यहाँ पर एक बात आपको ध्यान में रखनी है कि यहाँ पर जो है न्यूक्लियन के अंदर, यहाँ पर यदि आपके पास में इलेक्ट्रॉन संख्या भी आपके पास में दे रखे हैं, ये फॉर्मूला आप लिख सकते हो, नहीं बाकी हमें इसकी आवश्यकता नहीं है, आपको ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। एम ई क्या है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है। नेक्स्ट देखिएगा, ये तो हो चुका है। अब यहाँ देखो संकुल गुणांक, प्रति न्यूक्लियन द्रव्यमान जो क्षति जो होती है वो संकुल गुणांक कहलाता है।
संकुल गुणांक डेल एम अपॉन ए। यहाँ पर देखो डेल एम जो यहाँ पर द्रव्यमान क्षति और अपॉन ए द्रव्यमान संख्या। यहाँ पर द्रव्यमान क्षति जो है, यहाँ पर देखो ये फॉर्मूला आपको संकुल गुणांक के लिए ध्यान में रखना है। यहाँ पर देखो आगे वो लिखा हुआ है एम माइनस ए अपॉन ए। एम क्या है, यहाँ पर टोटल द्रव्यमान संख्या और ए क्या है द्रव्यमान संख्या, ये घटा देंगे तो डेल एम हमारे पास में आ जाएगा। यानी कि नाभिक का जो द्रव्यमान है उसमें से द्रव्यमान संख्या घटा देंगे, डेल एम हमारे पास में आ जाएगा। संकुल गुणा नाभिक का स्थायित्व का मापन करता है। अब देखो ये बात आपको ध्यान में रखनी है, संकुल गुणांक नाभिक के स्थायित्व का माप करता है। संकुल गुणांक का मान जितना कम होगा नाभिक उतना ही अधिक स्थायी होगा। नेक्स्ट देखिएगा, संकुल गुणांक धनात्मक ऋणात्मक और शून्य भी हो सकता है। नाभिक ए बराबर 16 के लिए संकुल गुणांक का मान क्या होता है, 0 होता है। द्रव्यमान संख्या 240 के लिए यहाँ पर दे रखा है 0 होता है, तो ये ग्राफ इसकी दे रखी है अलग अलग नाभिकों के लिए। नेक्स्ट देखिएगा आप, इसमें बंधन ऊर्जा बॉन्डिंग एनर्जी, एक स्थायी नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन नाभिक बल परस्पर एक दूसरे से बंधे होते हैं, इन्हें एक दूसरे से दूर अनंत दूर यानी अनंत करने के लिए एक निश्चित ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जिसे हम नाभिक की बंधन ऊर्जा कहते हैं। या हम ये कह सकते हैं नाभिक के निर्माण में जिनकी ऊर्जा मुक्त होती है, जितनी ऊर्जा मुक्त होती है उस ऊर्जा को नाभिक की बंधन ऊर्जा कहते हैं। या फिर हम ये कह सकते हैं कि नाभिक के निर्माण में हुई द्रव्यमान क्षति के तुल्य ऊर्जा नाभिक की बंधन ऊर्जा कहलाती है। तो बंधन ऊर्जा जो हो जाएगी द्रव्यमान क्षति इंटू सी वेग, द्रव्यमान इंटू वेग क्या हो जाएगी, बंधन ऊर्जा। बंधन ऊर्जा का जो है जूल के अंदर मात्रक, इसका हम याद रख सकते हैं ऊर्जा है तो जूल इसका मात्रक हो जाएगा। और इस बंधन ऊर्जा को हम ये भी लिख सकते हैं डेल एम इंटू 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। डेल एम का मान रखा हुआ है ये वाला, डेल एम का मान है जो हमने पीछे पढ़ा था द्रव्यमान क्षति का मान, तो आप ये फॉर्मूला याद रख सकते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, प्रति न्यूक्लियॉन बंधन ऊर्जा, नाभिक में एक न्यूक्लियॉन को मुक्त करने के लिए आवश्यक औसत ऊर्जा को प्रति न्यूक्लियॉन ऊर्जा कहते हैं। प्रति न्यूक्लियॉन बंधन ऊर्जा जो होगी कुल बंधन ऊर्जा बटे द्रव्यमान संख्या या न्यूक्लियॉनों की संख्या अनुपात में। तो यहाँ पर कुल बंधन ऊर्जा हमारे पास में क्या थी, डेल एम इंटू 931 जो लास्ट फॉर्मूला आया था जो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होती है या जूल के अंदर। ठीक है, इलेक्ट्रॉन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट को हम जूल में परिवर्तित कर सकते हैं। ए द्रव्यमान संख्या या फिर यहाँ पर हम जो है न्यूक्लियॉनों की संख्या भी ले सकते हैं। बंधन ऊर्जा नाभिक के स्थायित्व की क्या होती है, समानुपाती। स्थायित्व जितना ज़्यादा होगा बंधन ऊर्जा उतनी अधिक होगी, स्थायित्व कम होगा बंधन ऊर्जा भी क्या होगी, कम होगी। नेक्स्ट देखिएगा, नाभिकीय अभिक्रिया, किसी नाभिक पर तेरुगामी कणों की बौछार करवाने पर इनका एक अन्य नाभिक में परिवर्तित होना नाभिकीय अभिक्रिया कहलाती है। किसी नाभिकीय अभिक्रिया सामान्य रूप से यहाँ पर दे रखी है कि अक्ष क्या है, एक माता नाभिक आपके पास में है, अक्ष क्या है, एक माता नाभिक आपके पास में है। ए आपतित कण यहाँ पर है, अक्ष माता नाभिक है, ए आपतित कण यहाँ पर आपके पास में है। तो यहाँ पर जो है आपतित कण से यहाँ पर एक नाभिक का निर्माण हो जाएगा। जब दोनों का यहाँ पर क्या किया जाएगा, योग होगा, तो एक नाभिक का निर्माण हो जाएगा। जब ये नाभिक टूटेगी तो यहाँ पर जो है संलयन होने पर जुड़ने पर एक नाभिक का निर्माण हो जाता है। जब ये टूटती है तो एक पुत्री नाभिक का निर्माण होता है, इसमें एक कण उत्पन्न होता है और साथ में ऊर्जा मुक्त होती है। अक्ष क्या है, अक्ष एम एक क्रियाकारक, अक्ष और ए क्या है, क्रियाकारक है। और यहाँ पर जो है वाई और बी जो है यहाँ पर उत्पाद कहलाते हैं।
ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट इसी के अंदर देखिएगा आगे। नाभिकीय अभिक्रिया, जो क्यू का जो मान है किसी नाभिक में अभिक्रिया में उत्पन्न अवशोषण ऊर्जा के मान को नाभिकीय अभिक्रिया का क्यू मान कहते हैं, तो आपको ये ध्यान रखने की वैसे आवश्यकता भी हमें नहीं है। नेक्स्ट देखिएगा, आप ध्यान दीजिएगा, नाभिकीय विखंडन, भारी नाभिक दो हल्के नाभिकों में टूटना क्या कहलाता है? नाभिकीय विखंडन कहलाता है। इस अभिक्रिया में भारी नाभिक पर एक ऊर्जावान कण की बौछार की जाती है, परिमाण स्वरूप असीम ऊर्जा प्राप्त होती है। नेक्स्ट देखिएगा, किसी नाभिकीय विखंडन की घटना जो होती है क्रिया, उसकी खोज वैज्ञानिक किसने की थी? ओटो होन ने। और इसका साथी भी था, एक क्या था, स्ट्रॉन्समान। स्ट्रॉन्समान और किसने? ओटो होन ने की थी। और इसकी व्याख्या नाभिक के दारु बूंद मॉडल के आधार पर, एन बोर, नील्स बोर, ठीक है, और जे ए व्हीलर ने द्वारा की गई थी। तो आपको ये नाम याद रहे तो कर लेना, अच्छी बात है, नहीं रहे कोई बात नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, यूरेनियम नाभिक का विखंडन, यूरेनियम नाभिक पर जब न्यूट्रॉनों की बौछार करवाई जाती है तो ये अस्थायी नाभिक में परिवर्तित हो जाता है। यूरेनियम 236 में परिवर्तित हो जाएगा, 35-36 में, ठीक है, 35, और इसका यहाँ पर द्रव्यमान संख्या क्या है, 1। और फिर अस्थायी नाभिक टूटेगी बेरियम और क्रिप्टॉन के अंदर, और यहाँ 3 न्यूट्रॉन उत्सर्जित होंगे और क्यू के रूप में ऊर्जा मुक्त होगी। यूरेनियम विखंडन से उत्सर्जित ऊर्जा का जो मान होता है वो 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट या फिर 0.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्रति न्यूक्लियन होता है। यूरेनियम 235 के विखंडन से औसतन 2.5 न्यूट्रॉन प्राप्त होते हैं। वैसे औसतन यहाँ पर कितने, लगभग 2.5 न्यूट्रॉन प्राप्त होते हैं, जिन्हें तीव्रगामी न्यूट्रॉन कहा जाता है। इनकी ऊर्जा लगभग 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। ये तीव्रगामी न्यूट्रॉन अभिक्रिया से पलायन कर सकते हैं, अतः अभिक्रिया को चालू रखने के लिए इन्हें मंदन करने की आवश्यकता होती है। यूरेनियम विखंडन सिर्फ मंदगामी न्यूट्रॉनों से होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। यूरेनियम का जो विखंडन केवल मंदगामी न्यूट्रॉनों से होता है, जिनकी यूरेनियम 235 की बात यहाँ पर हो रही है, किसकी, 235 की, जिनकी ऊर्जा लगभग 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, या तापीय न्यूट्रॉनों से होता है जिनकी ऊर्जा लगभग 0.025 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में कि यूरेनियम 235 का विखंडन होता है किसके द्वारा, ऑप्शन में वहाँ पर मिल जाए कि तीव्रगामी इलेक्ट्रॉन, मंदगामी इलेक्ट्रॉन, तापीय न्यूट्रॉनों द्वारा, और ऑप्शन लास्ट मिल जाए मंदगामी और तापीय न्यूट्रॉन, तो आपको ये ध्यान में रखना है। विखंडन अभिक्रिया से उत्पन्न न्यूट्रॉनों को तात्कालिक न्यूट्रॉन कहा जाता है। उत्सर्जित ऊर्जा मुक्त विखंडनों विखंडित पिंडों की गतिज ऊर्जा के रूप में मुक्त होती है। तो यहाँ पर देखिएगा, यूरेनियम नाभिक जो है उस पर मंदगामी न्यूट्रॉनों की बौछार करवा दे 236 में, तो ये क्रिप्टॉन और बेरियम में, और ये 3 न्यूट्रॉन, ये सरंग, ये अभिक्रिया है इसकी, और साथ में ऊर्जा मुक्त होती है। श्रृंखला अभिक्रिया, नाभिकीय विखंडन में प्रचुर मात्रा में ऊर्जा के उत्सर्जन के साथ साथ 3 अतिरिक्त न्यूट्रॉन उत्पन्न होते हैं। ये न्यूट्रॉन उचित स्थिति में पुनः दूसरे नाभिक को विखंडित करके बहुत अधिक संख्या में न्यूट्रॉन उत्पन्न करते हैं। इस प्रकार नाभिकीय विखंडन एक श्रृंखला स्थापित हो जाती है जो जब तक जारी रहते हैं तब तक पूरा यूरेनियम खत्म नहीं हो जाता है। इसका जो है डायग्राम आप देख लीजिएगा, यहाँ पर जो है ये पहला न्यूट्रॉन, जिसको हम प्रथम पीढ़ी का न्यूट्रॉन भी कह सकते हैं, यूरेनियम या क्रिप्टॉन और बेरियम में हो जाएगा। फिर द्वितीय न्यूट्रॉन, दूसरी पीढ़ी का न्यूट्रॉन, कुछ न्यूट्रॉन जो हैं अभिक्रिया में भाग नहीं लेंगे, खोया हुआ इलेक्ट्रॉन हम बोल सकते हैं, ये सॉरी न्यूट्रॉन बोल सकते हैं। फिर यहाँ पर क्रिप्टॉन का या तो यूरेनियम का विखंडन कर सकते हैं, और यदि हम जो है यूरेनियम का यहाँ पर अस्थायी जो है इसके रूप में हम कर सकते हैं, क्रिप्टॉन भी ले सकते हैं, बेरियम भी ले सकते हैं, या रुबिडियम और सीजियम के रूप में हो जाता है।
या SR और Xe के रूप में हो जाता है विखंडन। ये सभी इसके यूरेनियम के विखंडन की जो हैं अभिक्रियाएं हैं, जो एक ही अभिक्रिया में यहाँ पर तीन अभिक्रियाएं आपको देखने को मिल रही हैं। नेक्स्ट देखिएगा, श्रृंखला अभिक्रिया में निम्न घटनाएं परीक्षित हुई, कौन कौन सी? यूरेनियम नाभिकों के द्वारा न्यूट्रॉनों का अवशोषण प्राकृतिक यूरेनियम में मुख्यतः यूरेनियम 235 समस्थानिक जो कितने होते हैं 99.3% होते हैं, और बहुत कम किसके होते हैं देखो आप इसको थोड़ा सा समझिएगा। मैं ये बोल सकता हूँ कि यूरेनियम जो है कि 238 जो है प्रकृति में 99.3% और 0.7% यूरेनियम 235 होती है। अब ये ध्यान में रख सकते हो, यूरेनियम 238 नाभिक पर तीव्रगामी न्यूट्रॉनों से विखंडन होता है जबकि 235 में मंदगामी से होता है। दूसरा अंतर हो गया। तीसरा देखो, यहाँ पर 238 जो है नाभिकों की अधिकता के कारण इनके न्यूट्रॉन के साथ टक्कर की संभावना अधिक होती है। यूरेनियम 238 नाभिक से टक्कर के कारण न्यूट्रॉनों की गति मंद हो जाती है जिससे आगे यूरेनियम 238 का विखंडन संभव नहीं हो पाता है, क्योंकि मंद न्यूट्रॉन जो हैं यूरेनियम 235 के नाभिक को सॉरी 238 जो नाभिक हैं उसको अवशोषित हो जाते हैं और श्रृंखला अभिक्रिया क्या हो जाती है, बंद हो जाती है। यदि हम यूरेनियम 238 पर जो हैं मंदगामी जो न्यूट्रॉन हैं उनकी बोछार करवाते हैं तो क्या होता है, ये अवशोषित कर लेते हैं यूरेनियम 238 नाभिक को, जिसके कारण क्या हो जाता है, श्रृंखला अभिक्रिया बंद हो जाती है। नेक्स्ट देखिएगा, निवारण। श्रृंखला अभिक्रिया जारी रखने के लिए साधारण यूरेनियम जो होता है उसको पृथक किया जाता है। ऐसे यूरेनियम को संवंधित यूरेनियम कहा जाता है जो तीव्रगामी और मंदगामी दोनों न्यूट्रॉनों में विखंडनीय होते हैं। इस प्रकार श्रृंखला अभिक्रिया का क्रम जारी रहता है। यदि न्यूट्रॉनों को लगभग 0.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा तक किसी विधि द्वारा मंदित किया जाए तो यूरेनियम 238 नाभिक के द्वारा इनका अवशोषण संभव है। बहुत कम, अब यहाँ पर देखो आपको ध्यान क्या रखना है, इससे दोनों निवारण के अंदर देखो यूरेनियम 235 को यहाँ पर जो है श्रृंखला अभिक्रिया जो यूरेनियम 235 है श्रृंखला अभिक्रिया जारी रखने के लिए इसको पृथक किया जाएगा और यूरेनियम को संबंधित यूरेनियम कहा जाएगा जो तीव्रगामी और मंदगामी दोनों न्यूट्रॉन इसके लिए क्या होते हैं, विखंडित होते हैं और श्रृंखला अभिक्रिया जारी रहती है। और इसमें लगभग 0.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा के जो न्यूट्रॉन जो होते हैं किसी विधि द्वारा मंदित किए जाएंगे, कोई भी विधि काम में लेंगे इसमें, और तो 238 नाभिक के द्वारा इनका अवशोषण की संभावना बहुत कम हो जाएगी, जबकि यूरेनियम 235 नाभिक के विखंडन की संभावना क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। यह क्रिया मंदक के द्वारा संपादित की जाती है। मंदक के रूप में ग्रेफाइट भारी जल का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, क्रांति का आकार। तो आप यहाँ पर देखो क्रांति का आकार की हमें मेन यहाँ पर जो ज़रूरत पड़ेगी वो यहाँ पर देखो पुनरुत्पादन गुणांक की। पुनरुत्पादन गुणांक क्या होता है वो देखिएगा, न्यूट्रॉनों के उत्सर्जन की दर और न्यूट्रॉनों के हानि की दर का अनुपात क्या कहलाता है, क्रांतिक ये पुनरुत्पादन गुणांक कहलाता है, जिसको हम कैसे दर्शाते हैं। वैसे जो है कोई भी विखंडनीय पदार्थ जो होता है ना उसका क्रांतिक आकार अधिक होना चाहिए, ये बात आपको ध्यान में रखना है। बाकी आप ये रीड कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, हमें वैसे आवश्यकता नहीं है इसकी। देखिएगा, पुनरुत्पादन गुणांक का मान एक है तो श्रृंखला अभिक्रिया स्थायी रूप से जारी रहेगी। इस समय विखंडनीय पदार्थ के द्रव्यमान को क्रांतिक द्रव्यमान और आकार को क्रांतिक आकार कहा जाता है। और यदि एक से क्या है अधिक है तो श्रृंखला अभिक्रिया त्वरित होगी और विस्फोट हो जाएगा। इस समय विखंडनीय पदार्थ के द्रव्यमान को अक्रांतिक द्रव्यमान कहा जाता है और इसका उपयोग परमाणु बम में किया जाता है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। और यदि एक से क्या है कम ये सॉरी एक से अधिक है तो ये त्वरित होगी और विस्फोटक होगा जिसका परमाणु बम में, और यदि एक से कम है इसका मान तो
तो श्रृंखला विक्रिया धीरे धीरे बंद हो जाएगी और विखंडीय पदार्थ द्रव्यमान में न्यून क्रांतिक द्रव्यमान कहा जाता है इसको। तो तीन बातें यहाँ पर आ रही है, कौन कौन सी आ रही है? अगर एक के बराबर है तो श्रृंखला विक्रिया चलती रहेगी, एक से अधिक है तो विस्फोट हो जाएगा, परमाणु बम में इसका उपयोग किया जाता है, और एक से कम है तो अभिक्रिया धीरे धीरे बंद हो जाएगी। नियंत्रित और अनियंत्रित श्रृंखला विक्रिया, कृत्रिम विधि से नियंत्रित किया जा सकता है नियंत्रित को, जबकि अनियंत्रित को जो है कोई नियंत्रण नहीं होता है। नियंत्रित में एक अधिक अतिरिक्त सभी न्यूट्रॉन अवशोषित होते हैं और एक के अतिरिक्त होते हैं, और इसमें एक से अधिक न्यूट्रॉन भाग लेते हैं, किसमें? अनियंत्रित में। नियंत्रित अभिक्रिया दर धीमी होती है जबकि श्रृंखला अभिक्रिया दर तेज होती है। पुनरुत्पादन गुणांक का मान एक के बराबर होता है और इसमें एक से अधिक होता है। इस अभिक्रिया में उत्पन्न ऊर्जा हमेशा विस्फोट ऊर्जा से कम होती है, जबकि इसमें क्या होता है, अभिक्रिया में बहुत अधिक ऊर्जा परिमाण के रूप में बाहर निकलती है। नाभिकीय भट्ठी का जो सिद्धांत जो है वो नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया पर आधारित है, और परमाणु बम जो बनाए जाते हैं या बम का जो सिद्धांत है वो अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया पर आधारित होता है, एक बार छोड़ने के बाद में नियंत्रित नहीं किया जा सकता। नाभिकीय भट्ठी, यह एक संयंत्र होता है जिसे नाभिकीय विखंडन श्रृंखला अभिक्रिया द्वारा संपन्न करवाया जाता है। इसमें परमाणु फाइल भी इसको परमाणु पाइल ठीक है भी कहा जाता है इसको। यह एक नियंत्रित ऊर्जा स्रोत है जिसका उपयोग बहुत अधिक उद्देश्यों के लिए किया जाता है, या इसका यह डायग्राम जो सीनियर क्लास में आप लोगों ने पढ़ा था, क्रोमियम की इसमें छड़े लगे होते हैं, सभी चीज़ें हम आगे पढ़ेंगे, देखेंगे, देखिएगा, ध्यान दीजिएगा आप। ईंधन के रूप में, ईंधन के रूप में यूरेनियम, थोरियम और प्लूटोनियम काम में लिया जाता है। विखंडीय पदार्थ को ईंधन कहा जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है सीधा सा। नेक्स्ट देखिएगा, मंदक, तिरगामी न्यूट्रॉनों की गति को मंद करने के लिए मंदक के रूप में ग्रेफाइड है, भारी जल यानी D2O काम में लिया जाता है। नियंत्रित पदार्थ, नियंत्रित पदार्थ का उपयोग श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रित करने के लिए एवं नियत दर से संपन्न कराने के लिए किया जाता है। ये विखंडीय पदार्थ विखंडन के लिए उपलब्ध न्यूट्रॉनों की संख्या को नियंत्रित कर देते हैं। उदाहरण के रूप में केडियम की छड़ें परमाणु भट्ठी के अंदर प्रविष्ट करवाई जाती है, क्योंकि ये न्यूट्रॉनों का अवशोषण करते हैं। केडियम छड़ों को भट्ठी के अंदर या बाहर करके विखंडन के लिए उपलब्ध न्यूट्रॉनों की संख्या को नियंत्रित किया जाता है। देखिएगा डायग्राम में, यहाँ पर जो दे रखा था आपको डायग्राम में, ये केडियम की जो छड़ें हैं ये नियंत्रक के रूप में काम में ली जाती है। शीतलक के रूप में यहाँ पर जो है देखिएगा, कंक्रीट की चारों तरफ दीवार होती है इसके अंदर। मंदक के रूप में DTO काम में लिया जाता है या ग्रेफाइड काम में लिया जाता है। और देखिएगा आप नेक्स्ट, शीतलक की अगर बात करूं मैं, तो शीतलक में विखंडन के दौरान उत्पन्न ऊष्मा को अवशोषित करने के लिए प्रयुक्त पदार्थों को शीतलक कहा जाता है, जैसे बारी पानी, द्रव, ऑक्सीजन, CO2, नाइट्रोजन इत्यादि। परिरक्षक आवरण, भट्टी के चारों ओर जो तरफ, चारों तरफ या बाहर जो व्यक्ति जो काम कर रहे हैं वो उनकी रक्षा करने के लिए, यानी हानिकारक जो विकिरणें उत्पन्न होगी उसे बचाने के लिए सीमेंट और कंक्रीट का संयुक्त आवरण यानी चारों तरफ दीवार बना दी जाती है। नेक्स्ट देखिएगा, नाभिकीय भट्ठी का जो उपयोग है विद्युत उत्पादन में किया जाता है। रेडियो समस्थानिकों के उत्पादन में इसका उपयोग, चिकित्सा क्षेत्र में, कृषि उद्योगों में। PU का निर्माण जो है उपयोग परमाणु बम बनाने के अंदर, प्लूटोनियम का जो उपयोग है वो परमाणु बम में किया जाता है। 239, ये ध्यान में रखना है, 238 भी होता है इसका, तो 239 जो होता है उसका परमाणु बम में बनाने में किया जाता है। तीव्रगामी न्यूट्रॉनों के उत्पादन में जिसका उपयोग कैंसर के उपचार में और अनुसंधान में किया जाता है। नाभिकीय सेलेन, यानी सेलेन का मतलब जुड़ना, दो हल्के नाभिक मिलकर यदि एक भारी नाभिक का निर्माण कर लेते हैं नाभिकीय सेलेन कहलाता है, बस आपको ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट देखिएगा, लैब असिस्टेंट, IIT और नीट और ट्वेल्थ की फिजिक्स की क्लासें आपको जो है
फ्री लाइव क्लासें और साथ में पीडीएफ नोट्स प्राप्त करने के लिए चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन वगैरह आपको टाइम टाइम पर मिलता रहे। देखिएगा प्रोटॉन प्रोटॉन चक्कर के लिए अगर बात करें तो सूर्य तारों के आंतरिक भागों में होती है, सूर्य के आंतरिक भागों में होती है। सूर्य प्रतिगामा जो लगभग जो है ये आपको ध्यान में रखना है कि 4.5 × 10^9 ये शायद 29 होता है, प्रोटॉन होते हैं। तो यहाँ पर एक बार मैं और देख लूँगा, मैसेज यहाँ कमेंट बॉक्स में डाल दूँगा पावर कितनी होती है। यदि ये सभी प्रोटॉन संलयित होकर हीलियम बनाते हैं तो लगभग 130,000 किलोवाट की ऊर्जा इनमें उत्पन्न होती है। यदि सूर्य वर्तमान दर से विकिरण करता है तो इसके प्रोटॉन खर्च होने में लगभग 75×10^9 वर्ष लग जाएंगे। इसके बाद सूर्य प्रकाश देना क्या कर देगा, बंद कर देगा। परमाणु बम और हाइड्रोजन बम, ये मैंने अपना पॉइंट आप देखिएगा। नाभिक विखंडन पर आधारित होता है और इसमें यूरेनियम 235 का विखंडन होता है। हाइड्रोजन बम में नाभिक संलयन पर आधारित होता है, इसमें ड्यूट्रॉन और ट्रिटियम मिश्रण का उपयोग होता है। परमाणु बम में क्रांतिक आकार महत्वपूर्ण होता है जबकि इसमें हाइड्रोजन बम में कोई महत्व नहीं होता है। परमाणु बम में इसमें सामान्य ताप और दाब पर विस्फोट होता है जबकि हाइड्रोजन बम में सामान्य ताप दाब पर आवश्यकता नहीं है। परमाणु बम हाइड्रोजन बम की तुलना में कम परमाणु में ऊर्जा उत्पन्न करता है जबकि हाइड्रोजन बम की तुलना में अधिक ऊर्जा उत्पन्न होती है। देखो परमाणु बम में हाइड्रोजन बम की तुलना में कम ऊर्जा उत्पन्न होती है जबकि इसमें क्या होती है, हाइड्रोजन बम में अधिक होती है। इसलिए परमाणु बम की तुलना में अधिक खतरनाक, यहाँ पर देखो रेडियो सक्रियता की अगर बात करें, रेडियो सक्रियता नेक्स्ट पॉइंट अपना है। रेडियो सक्रियता की बात हम कर रहे थे, इसके अंदर नेक्स्ट देखिएगा। रेडियो सक्रियता भारी अस्थायी परमाणुओं के नाभिकों से स्वतः विकिरणों के उत्सर्जन की घटना को रेडियो सक्रियता कहते हैं। एम वे एलिमेंट जो ऐसी घटना दर्शाते हैं रेडियो सक्रियता एलिमेंट कहलाते हैं। सन 1896 में हेनरी बेके रल ने यूरेनियम लवण से रेडियो सक्रियता की खोज की थी। नेक्स्ट देखिएगा, यूरेनियम नाभिक से रेडियो सक्रियता की खोज के बाद पेरे क्यूरी एवं मैडम क्यूरी ने एक नए रेडियो सक्रिय एलिमेंट यानी रेडियम जो यूरेनियम से 10^4 अधिक रेडियो सक्रिय था की खोज की। रेडियो सक्रिय एलिमेंटों के उदाहरण है यूरेनियम, रेडियम, थोरियम, पोलोनियम और नेपच्यूनियम। रेडियो सक्रियता पर पदार्थ के भौतिक यानी ताप, दाब, तापक्रम, विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र, रासायनिक गुणों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ये सभी एलिमेंट जो हैं इनकी जिनकी परमाणु संख्या 82 से अधिक है प्राकृतिक रेडियो सक्रिय हैं। हल्के एलिमेंट का तेज गति से कणों में बमबारी से रेडियो सक्रिय तत्वों का परिवर्तन होने की घटना को कृत्रिम या प्रेरित रेडियो सक्रिय कहा जाता है। रेडियो सक्रियता एक नाभिकीय क्रिया है न कि परमाणुवीय क्रिया है, अतः रेडियो सक्रियता का परमाणु के इलेक्ट्रॉन विन्यास के लिए कोई संबंध नहीं होता है। यह आपकी क्लास यहाँ पर जो है फिनिश होती है, टॉपिक कंप्लीट होता है। इसमें केवल अल्फा, बीटा और गामा जो पॉइंट हैं जो विकिरण है ये रह गया है जो हम अगले पॉइंट के अंदर हम पढ़ने वाले हैं। तो इसी प्रकार से आप जो हैं चैनल, अगर आप नए हैं तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में ही आप जो हैं टेलीग्राम चैनल पे अगर आप जाएगा तो वहाँ पर @GYSikkar आप डालिएगा। तो वहाँ पर टेलीग्राम चैनल पर इसकी आपको पीडीएफ आपको मिल जाएगी जो भी आपको फ्री मिलेगी। साथ में ही लैब का कोर्स जो है
आपको हम इस महीने के अंदर जो है कंप्लीट आपको पूरा करवा देंगे लैब असिस्टेंट का, वो भी आपको फ्री होगा। चैनल आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर नए हैं, और बेल आइकन ज़रूर आप दबा लीजिए ताकि नोटिफिकेशन टाइम टाइम पर आपको मिलता रहे। और फिर मिलेंगे आप सभी को, आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद आप सभी को।